Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. I hope you all are fine. Today in this video we are going to discuss third practical in the continuation of the class 10 practical file from the unit Digital Documentation Advanced, and the practical third is create a template and set a template as default template. तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप अपने फाइल में लिखेंगे स्टेप्स. तो सबसे पहले हमने अपने प्रैक्टिकल की हेडिंग दी. सबसे पहला टॉपिक है क्रिएट अ टैंपलेट. अब टैंपलेट को क्रिएट करने के जितने भी स्टेप्स हैं, टोटल वी आर हैविंग इन टोटल 6-7 स्टेप्स. एंड इसके लिए हम एनसीईआरटी की पीडीएफ पे गए और पेज नंबर 23 पे आप यहाँ देख सकते हैं क्रिएट अ टैंपलेट फ्रॉम डॉक्यूमेंट. वैसे तो टैंपलेट को क्रिएट करने के दो मैथड होते हैं, एक डॉक्यूमेंट से और एक विजर्ड से. तो हम जो स्टेप्स लिख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट के लिख रहे हैं. तो ये तीन स्टेप्स यहाँ से, और इस पिक्चर के नीचे हमने बाकी के स्टेप्स जो भी हैं उनको कॉपी किया. ठीक है, यहाँ तक क्लिक ओके टू सेव द न्यू टैंपलेट. अब बस स्टेप बाय स्टेप हम क्या करने वाले हैं, स्टेप्स को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी स्क्रीनशॉट्स रिक्वायर्ड हैं फ्रॉम द ओपन ऑफिस वो हम यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे. सबसे पहले हमारा स्टेप है ओपन अ न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइप यू वॉन्ट टू मेक इन टू अ टैंपलेट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, ड्रॉइंग और प्रेजेंटेशन. तो सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे, दैट इज आर ओपन ऑफिस. ओपन ऑफिस राइटर को हमने स्टार्ट कर लिया जिसमें हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे. ये करने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रही है लाइक दिस. ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है एड द कंटेंट एंड द स्टाइल्स यू वॉन्ट. अब जो भी हमें यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट करना है वो बनाएंगे और उसमें जो भी हमें स्टाइल्स लगाने हैं वो हम उसमें अप्लाई करते हैं. तो मान लीजिए हम एक टैंपलेट बनाना चाहते हैं जिसमें जो स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जब वो प्रिंट किए जाते हैं तो ऊपर की जो हेडिंग होती है, जैसे कि स्कूल का नेम, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, वो सब हमेशा सेम रहता है और साथ में स्कूल का लोगो, तो हम उसी का एक टैंपलेट क्रिएट करेंगे. तो इस तरह से हम सबसे पहले अपना कंटेंट इसमें लिखते हैं और उसके ऊपर फिर हम कुछ स्टाइल्स लगाए. अब यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा एक्स वाई जेड पब्लिक स्कूल, और इसके नीचे हम यहाँ पर लिख देते हैं क्लास एंड देन डेट. डेट के लिए हमने यहाँ पे ब्लैंक लाइन छोड़ दी और इसके नीचे हमारा सेंटर में आ जाएगा सब्जेक्ट. एंड दिस ऑल थिंग्स वी वांट. क्लास के लिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 10th एंड सब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पे कर दिया IT. और ये सब चीज़ें हमें चाहिए सेंटर में, तो हम इसे सेंटर में ले लेते हैं. और यहाँ से हम फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पे जाएंगे. हमारे पास ये 5 टाइप के स्टाइल्स हैं. पैराग्राफ स्टाइल में हम यहाँ पे बिब्लियोग्राफी हेडिंग नाम का स्टाइल ले लेते हैं. ठीक है, दिस वन बिब्लियोग्राफी हेडिंग. इसके लिए आपको नीचे से यहाँ ऑल स्टाइल्स कर. अब इस स्टाइल को अप्लाई करने से ये लेफ्ट साइड आ गया, हम इसे सेंटर में ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एक लोगो को अप्लाई करना है. तो हम यहाँ पे अभी कोई भी एक पिक्चर ले रहे हैं, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल. डेस्कटॉप पे हमारे पास एक पिक्चर रखी है तो हम उसे अभी यूज़ कर लेंगे. अब आप यहाँ पे देखो जो पिक्चर इंसर्ट होके आई है दैट इज़ वेरी मच बिग, जिससे कि हमारा जो कंटेंट है वो नीचे चला गया. ठीक है, तो हम इस पिक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, साइज़ को स्मॉल करेंगे ताकि ये लोगो की फॉर्म में आए. इसको लेफ्ट साइड हम अलाइन कर देंगे एंड हम ये चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो पिक्चर के साथ आए. अब ये नीचे आ रहा है तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से रैप ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे पेज रैप. अब ये टेक्स्ट हमारा यहाँ आ गया. अब थोड़ा सा हम इस लोगो को शॉर्ट कर देंगे. ठीक है, इस तरह से. ये करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो स्कूल का नाम है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होना चाहिए, तो हमने यहाँ से इसे 24 साइज दे दिया. क्लास और डेट और सब्जेक्ट हम एज इट इज रहने देते हैं. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पेज का बॉर्डर सेट करना चाहते हैं. तो फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, पेज में जाएंगे और यहाँ से डिफॉल्ट लाइन अरेंजमेंट में इसको चूज करेंगे जहाँ पे चारों बॉर्डर्स हैं. यहाँ पे आके आप अपना एक कोई भी बॉर्डर बेसिक सा चूज कर लेंगे एंड क्लिक ऑन ओके. ठीक है, तो आपके पेज के अराउंड ये बॉर्डर आ गया. अब ये हमने अपना कंटेंट इसमें डाल दिया, उसके ऊपर स्टाइल्स लगा दिए. तो ये पार्ट हमने क्या किया, टैंपलेट को क्रिएट कर दिया. ठीक है, अब आपके पास है फ्रॉम द मेन मेन्यू चूज फाइल टैंपलेट सेव. तो पहले हमने ये जो बनाया इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि ये हमने अपना एक टैंपलेट बनाया है. ठीक है, तो इसके लिए विंडोज शिफ्ट
और एस, शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे और यहाँ से आप इतने बार का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए, ये लेने के बाद अब आप वर्ड में जाएंगे और वहाँ से स्टेप नंबर 2 के नीचे आप इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। इफ़ द साइज इज़ अ लिटिल बिग, आप इसे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इस तरह से। अब थर्ड स्टेप देखिए, फाइल टेम्पलेट सेव में जाना है, तो यहाँ से आप जाएंगे वापस से अपने ओपन ऑफिस पे, फाइल में जाएंगे, टेम्पलेट्स में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे ऑप्शन सेव पे। तो इतने पार्ट का अगेन हम स्क्रीनशॉट लेंगे विंडोज शिफ्ट एस से। जैसे ही आप ये लेंगे, यहाँ से आप फाइल वाले मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, इतना पार्ट आपने सेलेक्ट किया एंड ये आपका क्लिपबोर्ड पे कॉपी होगी। वर्ड में जाइए, वर्ड में जाके आप इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो यूजिंग द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो ऑप्शन लिया है, फाइल मेन्यू ली है और सेव लिया है, इसको आप ड्रॉ मेन्यू में जाके कोई भी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से। दिस इज माई फाइल मेन्यू एंड नीचे जाके आपने यहाँ से कौन सा ऑप्शन लेना है सेव, आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया, द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन्स। अब ये आपका कर्सर है, इसे नीचे लेकर जाइए। टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, तो जो डायलॉग बॉक्स आपको आपके सामने दिख रहा है, आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और वहाँ पे आपको इसका एक न्यू नेम टाइप करना है। तो जैसे ही हम फाइल पे गए, टेम्पलेट्स पे गए, यहाँ से हम सेव पे गए, तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब आपने यहाँ से कैटेगरी चूज की माई टेम्पलेट्स, हम यहाँ दे देते हैं क्यू पी, यानी कि ये क्वेश्चन पेपर का टेम्पलेट है, ठीक है। ये किया हमने और यहाँ से हम इसे ओके करेंगे। इससे पहले हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम इसे वर्ड में जाके पेस्ट कर देंगे स्टेप नंबर 4 के नीचे, ठीक है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग बिग या स्मॉल कर सकते हैं इसके साइज को, एंड यहाँ से पिक्चर मेन्यू पे जाके आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, पिक्चर फॉर्मेट पे जाके, ठीक है। अब हमने इसका न्यू नेम भी दे दिया, इसे आप चाहे स्टेप नंबर 4 के नीचे डालिए या 5 के नीचे डालिए। कैटेगरीज लिस्ट में ये जो कैटेगरीज लिस्ट है, हमने यहाँ से कैटेगरी भी चूज कर ली, दैट इज माई टेम्पलेट्स, और क्लिक ओके टू सेव द टेम्पलेट। तो हमने यहाँ से ओके बटन को भी क्लिक कर दिया, ठीक है। बस इतने इसमें स्क्रीनशॉट लगेंगे। इस तरह से आपका जो टैबलेट है वो बन चुका है, हमने यहाँ से ओके कर दिया। अब आपका ये टैबलेट सेव हो चुका है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आप टैबलेट का नेम देते हैं वो फाइल के नेम से अलग होता है। जैसे आपको अगर ये टैबलेट अगर देखना है, तो फाइल में जाओ, टैबलेट्स में जाइए, ऑर्गेनाइज में जाइए, यहाँ पे माई टैबलेट्स में आपको अपना एक यू पी नाम का टैबलेट दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज टू सेट द टैबलेट एज द डिफॉल्ट टैबलेट। अब डिफॉल्ट टैम्पलेट का क्या मतलब है? अब जैसे देखो, ये आपकी एक ओपन ऑफिस की राइटर की फाइल है। अब अगर मैं यहाँ से फाइल में जाऊँ और न्यू में जाऊँ और यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे अगर हम जाएँ, तो हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो रही है। लेकिन किसी भी टैम्पलेट को डिफॉल्ट सेट करने का मतलब है कि जब भी कोई पर्सन ओपन ऑफिस राइटर में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करे, तो उसके सामने ये वाला जो पेज है एज अ सैम्पल वो ओपन हो जाए। तो हमें इसे क्या करना है, एज अ डिफॉल्ट सेट करना है कि जब भी हम इसको ओपन करें या नई फाइल ओपन करें, तो हमारे सामने ये सैंपल ओपन होके आए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए स्टेप्स हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में इसके स्टेप्स आपको कहाँ मिलेंगे, पेज नंबर 26 पे। आप पेज 26 पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ये स्टेप्स मिलेंगे 1, 2 एंड 3। चूज फ्रॉम द मेन मेन्यू, चूज फाइल टैम्पलेट्स, ऑर्गेनाइज द टैम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग ओपन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से हम गए फाइल टैम्पलेट्स एंड ऑर्गेनाइज ऑप्शन, तो इसका हमने लेना है स्क्रीनशॉट विंडोज शिफ्ट एस, ठीक है। यहाँ से आपने फाइल मेन्यू लिया, टैम्पलेट्स में गए और ऑर्गेनाइज में गए, इतने पार्ट का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया। यहाँ पे जाके स्टेप नंबर 2 के नीचे हम इसे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से जो आपका ऑर्गेनाइज ऑप्शन है और फाइल मेन्यू जो है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ ऑप्शन पे जाएंगे। पहले हम इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बिकॉज ये नेक्स्ट पेज पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ से आप ड्रॉ पे जाएंगे और किसी भी पेन या पेंसिल से फाइल मेन्यू को हाईलाइट कर सकते हैं, और यहाँ से इसके नीचे आपका जो ऑर्गेनाइज ऑप्शन है उसे हम हाईलाइट कर सकते हैं कि हमने अपने टैबलेट को डिफॉल्ट बनाने के लिए किस ऑप्शन में जाना है, फाइल मेन्यू में, टैबलेट्स में और फिर ऑर्गेनाइज, ठीक है। ये करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देख रहे हो, इन द बॉक्स ऑन द लेफ्ट सेलेक्ट द फोल्डर कंटेनिंग द टैबलेट दैट यू वांट टू सेट एज डिफॉल्ट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप फाइल पे गए, टैबलेट्स पे गए, ऑर्गेनाइज पे गए, लेफ्ट साइड में आपको वो
कैटेगरी चूज करनी है जो आपने उस टाइम पे ली थी। हमने ली थी माय टेम्पलेट्स, माय टेम्पलेट्स को डबल क्लिक किया, आपके सामने उस टेम्पलेट का नाम आ रहा है क्यूपी, आपने इसको चूज किया और आपने टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ से अपना टेम्पलेट सेलेक्ट किया। इसके लिए आपने इस पार्ट को क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, विंडोज शिफ्ट एस, इतने पार्ट का आपने यहाँ से क्या ले लिया, स्क्रीनशॉट। अब इसका क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया, इस स्टेप के नीचे जाके हम इसे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। साइज को थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कमांड्स बटन पे जाना है, कर्सर को यहाँ लाके थोड़ा सा आप इसे सेंटर में ला सकते हैं। इसके बाद हमें कमांड्स बटन में जाना है, क्लिक द कमांड्स बटन एंड चूज सेट एज डिफॉल्ट टैबलेट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ये जो हमारे पास ओपनड है, इसमें से हम कमांड्स बटन में जाएंगे और ये जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब स्क्रीनशॉट लेंगे, विंडोज शिफ्ट एस। अब यहाँ से हमने इतने पार्ट को क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये कॉपी हो गया क्लिपबोर्ड पे। यहाँ से लाके आप नेक्स्ट लाइन में इसे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो ये वाला स्टेप था, इसका भी स्क्रीनशॉट हमने अरेंज कर दिया यहाँ पे, और कर्सर को राइट साइड में लाके फिर लेफ्ट में ले जाएंगे और यहाँ से इसे मिडल में कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अपने दो टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया थर्ड प्रैक्टिकल में, क्रिएट अ टैम्पलेट एंड सेट एज डिफॉल्ट टैम्पलेट। देखिए व्यू में जाके यहाँ से आप स्लाइड टू साइड करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा, हमने क्या किया, क्रिएट अ टैम्पलेट फर्स्ट और सेकंड स्टेप, उनके स्क्रीनशॉट ले लिए इस तरह से, देन फिर हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया, 5, 6, 7 स्टेप्स हो गए। फिर सेटिंग द टैम्पलेट एज डिफॉल्ट टैम्पलेट में दो स्टेप्स के बाद हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया, फिर थर्ड के बाद उसका स्क्रीनशॉट आया यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, और फिर आपका फोर्थ का स्क्रीनशॉट आया। ठीक है, यहाँ से आप पिक्चर को फॉर्मेट करना चाहें तो यहाँ से आप किसी भी तरीके से पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि पिक्चर जो है वो आपकी क्लियरली विजिबल रहे और बॉर्डर बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो। अब आप व्यू में वापस जाएंगे और यहाँ से आप अगेन कर लेंगे वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ से अब आप चेकआउट कर सकते हो कि इस तरह से आपका जो प्रैक्टिकल थर्ड है दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड। ठीक है, लाइक दिस। सो आई होप स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल आपको क्लियर है। इन केस स्टिल एनी डाउट इज देयर, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ एनी सजेशंस आर देयर फॉर दिस वीडियो और एनी अदर वीडियो, यू कैन ऑल्सो टेल इन द कमेंट सेक्शन। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल, यू कैन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।